तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई केवाईसी का आज आखिरी तारीख है, यानी एक ही दिन बचा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसानों को अगली किस्त यानी 17वीं किस्त प्राप्त करनी है वह तुरंत 31 मार्च 2000 से पहले अपनी ई केवाईसी करवा लें। अब ई केवाईसी करवाने हैं तो कुछ किसानों को पहले से जो केवाईसी है वो दोबारा भी करनी होगी। इसको लेकर हमने पहले भी बताया था, कुछ किसानों को ये समस्या आ रही है, कुछ किसानों की केवाईसी पहले से पूर्ण है, उनको कुछ भी नहीं करना होगा। इसके लिए सभी किसान अपना केवाईसी का स्टेटस जरूर चेक कर लेना। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और आज आखिरी तारीख है, आखिरी तारीख से पहले पहले अपना केवाईसी संबंधित कार्य है वो पूर्ण जरूर करना। भारत सरकार अगली किस्त केवाईसी न होने वाले किसानों को नहीं देगी, इसलिए यह जरूर तय करें। अब यहाँ पर आप जैसे पीएम किसान के पोर्टल पर आओगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है कि आप केवाईसी ओटीपी माध्यम से, फिंगर माध्यम से कर सकते हैं, सीएससी के माध्यम से भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ई केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना आधार नंबर डालकर सर्च करना है। और जैसे ही आधार नंबर डालकर सर्च करोगे, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए आपने जो आधार नंबर डाले थे उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा और यही मोबाइल नंबर हमेशा के लिए आपका पीएम किसान योजना में रजिस्टर हो जाएगा। इसी से सारा काम होगा, इसी से स्टेटस ओपन होगा, इसी से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खुलेगा, इसी से आपका फॉर्म का संशोधन वगैरह सारा कुछ इसी मोबाइल नंबर से होगा। यानी ये आपका मेन मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका परमानेंट हो, और उसके बाद आपका ओटीपी आएगा जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, और फिर आपका आएगा आधार में लिंक मोबाइल नंबर पर। अगर ये आधार नंबर में लिंक है तो इसी पे दोनों ओटीपी आ जाएंगे, अगर आपने ये अलग मोबाइल नंबर दर्ज किया है तो दोनों ओटीपी आपको डालना होगा। ये 4 अंक आएगा या 6 अंक आएगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक करके सबमिट करना होगा, जैसा कि मैंने आधार और मोबाइल नंबर हाइड कर रखे हैं। आप सबमिट करते ही आपका केवाईसी पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए जिनका केवाईसी पहले से पूरा है उनका लिखाएगा ई केवाईसी इज ऑलरेडी डन, और जिनका केवाईसी पूरा नहीं है उनका लिखाएगा ई केवाईसी इज डन। यानी इनका ई केवाईसी पहले से पूरा है तो ऑलरेडी डन दिखाएगा, और जिनका केवाईसी अभी पूर्ण हुआ है वह इनका ई केवाईसी इज सक्सेसफुली दिखाएगा। इस तरह से आप केवाईसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं, दोबारा से आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं दोबारा कौन कौन से किसानों को करना होगा। अब यहाँ पर देखिए इन किसानों का पहले से पूर्ण है तो ऑलरेडी डन दिखा रहा है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनको पीएम किसान योजना की केवाईसी दोबारा करनी होगी। इसके लिए मैं आपको एक दूसरा आधार नंबर दर्ज करके दिखा देता हूं। जैसा कि अभी हमने आधार नंबर डाल के सर्च किया तो यहां पर एक्स लिंक पीएम किसान gov.in साइज लिखा है, दिस रिकॉर्ड इज नॉट अलाउड फॉर ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी, रिक्वेस्ट टू यू प्लीज डू योर ई केवाईसी यूजिंग बायोमेट्रिक एंड फेशियल ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर यह प्रॉब्लम दिखाएगा कुछ किसानों का, जैसे आप दोबारा से स्टेटस चेक करोगे जिन्होंने ओटीपी से ई केवाईसी पहले कर ली है या फिर नहीं की है उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। कुछ किसानों को ये प्रॉब्लम आ रही है जिनके आधार में यानी उनके ओटीपी प्रोसेस में कोई समस्या है, या तो ओटीपी प्रोसेस उनके आधार में मान्य नहीं है यानी जुड़ा हुआ नहीं है, उनका ओटीपी प्रक्रिया बंद है, तो उन किसानों को ये समस्या आएगी और उनका जो ओटीपी ईकेवाईसी उन्होंने किया है वो अमान्य हो चुका है। तो उनको अब दो तरीके से ईकेवाईसी कर सकते हैं, या तो अपना फिंगर लगाकर किसी सीएससी या फिर अन्य स्थानों से करवा सकते हैं, या फिर फेशियल ऑथेंटिकेशन यानी चेहरा दिखाकर ईकेवाईसी है वो अपने मोबाइल से खुद घर बैठे ही पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, आप फेस केवाईसी घर बैठे ही पूरा कर सकते हैं। और बायोमेट्रिक केवाईसी करना चाहते हैं तो सीएससी या जन सेवा केंद्र पर जाकर करवा सकते हैं। आखिरी तारीख आज है यानी 31 मार्च 2024 इनकी आखिरी तारीख है, और आखिरी तारीख इसे आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा यह सरकार का काम है। लेकिन आप आखिरी तारीख से पहले पहले केवाईसी जरूर करवाना। जिनका ये केवाईसी समस्या है वह अपना केवाईसी स्टेटस चेक करना, अगर इस तरह से समस्या आ रही है तो आपको दोबारा केवाईसी भी करनी पड़ सकती है। धन्यवाद।